दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हालांकि टोटल 17 यूनिवर्सिटी चलती हैं, 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं हिमाचल में, उन्हीं में से एक नाम आता है अरनी यूनिवर्सिटी का। अरनी यूनिवर्सिटी पर कई बार हमें कमेंट किए स्टूडेंट्स ने कि हम इस पर वीडियो बनाएं। हालांकि पहले भी हमने काफी सारी वीडियोस अरनी यूनिवर्सिटी पर बनाई थी, उन वीडियोस को देखकर भी काफी तरह की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बट अरनी यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्या है स्टूडेंट्स के कमेंट इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यूजीसी पर कहाँ यूनिवर्सिटी आती है, मतलब कहाँ रैंक करती है, कैसे आप चेक कर पाएंगे इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर। साथ में हम बात करेंगे क्या है अरनी यूनिवर्सिटी की न्यूज़, जो काफ़ी तरह से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया, क्या कहना है उन सभी का। साथ में ही विकिपीडिया पर आप कैसे चेक कर पाएंगे इस यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी हम बात करेंगे क्या नोटिस है और यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज करवाती है और कौन कौन से अप्रूवल्स है। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी अगर होती है, तो अगर यूनिवर्सिटी से ही डॉक्यूमेंट लिए यूनिवर्सिटी मना कर दे, नकार दे, तो ऐसे में आप रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में और अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर यूनिवर्सिटी वेरीफाई ना करे, तो ऐसे में वेरिफिकेशन लेने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताए हैं, उन सब रेमेडीज को आप ले सकते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें और बताएं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी से आपने क्या कोर्स किया या क्या कोर्स करने की अभी आप सोच रहे हैं। अरनी यूनिवर्सिटी पर और डिटेलें बात करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, हालांकि देखा जाए अपने देश में टोटल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो लगभग 490-91 के आसपास टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत तरह के स्कैम में आती हैं, नाम आते हैं उनके अलग अलग तरह से और स्टूडेंट्स तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अरनी यूनिवर्सिटी। अरनी यूनिवर्सिटी पर पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बट सबसे पहले बेटर होगा आप जान लें विकिपीडिया क्या बोलता है। विकिपीडिया अरनी यूनिवर्सिटी के बारे में बोलता है कि सबसे पहले दोस्तों यूनिवर्सिटी बनी है 2009 में, और मैं बता दूं ये यूनिवर्सिटी सोल्ड आउट हो गई थी, मतलब यूनिवर्सिटी बिक गई थी, किसी और मैनेजमेंट के हाथों में चली गई थी। जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी की वो है आर.के. पांडे। साथ में ही यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट दोस्तों यूनिवर्सिटी है। एफिलिएशन यूनिवर्सिटी कहां कहां से मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सेक्शन 2F, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोस्तों बनती हैं सभी सेक्शन 2F में बनती हैं, जो यूजीसी एक्ट है 1956 का, उसके एक्ट को आपको देखना पड़ेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन तो विकिपीडिया पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी कहां पर है, कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में है। आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी को, जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों कई बार आप लोगों ने हमसे कहा कि अगर यूनिवर्सिटी को हम विजिट करना चाहें तो कैसे जाएं, तो हमने यहां पर जब टाइप किया हमने डाला कि सबसे पास में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसके थ्रू हम इस यूनिवर्सिटी को पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल्स खुलकर आई और उस रेलवे स्टेशन से भी आपको लगभग 23 मिनट लगेंगे, 10 किलोमीटर दूर है वो यूनिवर्सिटी। और अगर यूनिवर्सिटी बाय फ्लाइट जाएंगे तो चंडीगढ़ से भी आप हालांकि यूनिवर्सिटी अप्रोच कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं दोस्तों। ये मैंने बताया विकिपीडिया और कैसे आप इस यूनिवर्सिटी को पहुंचेंगे। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अरनी यूनिवर्सिटी पहले बहुत बार स्टूडेंट्स को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
फिर चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, फिर चाहे वेरिफिकेशन को लेकर हो, या एडमिशन को लेकर हो, या फिर मैनेजमेंट को लेकर हो, मैनेजमेंट से जो स्टूडेंट्स परेशान रहे हैं वो वीडियोज अगर आप ढूंढेंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे। क्योंकि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट, ये कुछ दोस्तों स्टूडेंट्स के कमेंट जो हम लोग निकाल रहे थे, आप यहां जाकर स्टूडेंट्स के कमेंट आप चेक कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी पर क्या कहा है स्टूडेंट्स ने। आप गूगल में डालेंगे स्टूडेंट्स कमेंट्स ऑन अर्नी यूनिवर्सिटी, इजीली मिल जाएगा। साथ में ही अर्नी यूनिवर्सिटी को लेकर क्या न्यूज है वो सब न्यूज दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत तरह से काफी न्यूज को चेंजेस किया जाता है, जैसे सर्टिफिकेट रैकेट बस्ट यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, तो ऐसी भी कुछ चीजें हैं, ये सब आप दोस्तों देख लें। ऐसे ही आप एडमिशन यूनिवर्सिटी में डालें, आप यूनिवर्सिटी पड़ताल कर लें। अब दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, होता क्या है कि जब भी अपने देश में कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उस यूनिवर्सिटी को किसकी एफिलिएशन लेनी पड़ती है, किसकी मान्यता लेना जरूरी है उस यूनिवर्सिटी के लिए, वो होता है दोस्तों यूजीसी। जब तक दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं है तब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। तो आप क्या करें, www.ugc.gov.in आप डालेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा दोस्तों यूजीसी का। HEI पे जाइए, यहाँ पे जाके स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे जाइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे टोटल अभी दिखा रहा है यहाँ पर 490, टोटल 490 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी किस यूनिवर्सिटी की, अर्नी यूनिवर्सिटी की, तो आपको हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश आप यहाँ क्लिक करते हैं तो टोटल यूनिवर्सिटी दिखाता है 17, टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक और आपको मैं काम की बात बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलरिटी कमीशन अवेलेबल है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हिमाचल में चलती हैं, आप परेशान हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो सीधा इन्हें आप RTA डालो, सीधा इन्हें लिखकर मेल डालो, सीधा इनसे अप्रोच करो, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं वो सभी इन्हें रिपोर्ट करती है तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बैन हो जाती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, किस यूनिवर्सिटी को क्या इन्होंने अभी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, सब आपको यहां दोस्तों देखने को मिल जाएगा। आप इनके नोटिस में जाओगे ना, नोटिस देखोगे, पब्लिक नोटिस, तो यह सब कुछ डिटेल्स आपको इजीली मिल जाएंगी। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे यूजीसी की, तो यूजीसी पर हिमाचल प्रदेश में आने के बाद में आप देखोगे तो 39वें नंबर पर अर्नी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। 39वीं कोई रैंक नहीं है दोस्तों, ये क्या होता है, अल्फाबेटिकल जहां पर नाम आया उसके अनुसार लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी सेक्शन 2F में मतलब मान्यता प्राप्त है यूजीसी से हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है। आप सबसे पहले यहां पर व्यू अदर डिटेल्स में जाइए दोस्तों। जैसे आप व्यू अदर डिटेल्स में जाओगे तो 2009 में यह यूनिवर्सिटी बनी थी, यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, अर्नी यूनिवर्सिटी है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, इसने अपनी इंफॉर्मेशन 2013 में सबमिट की है। एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस। डेट ऑफ विजिट, विजिट कब हुई है, 2011 में और 2014 में जो यूजीसी की विजिट होती है। साथ में दोस्तों रिमार्क में क्या लिखा है, द यूनिवर्सिटी टू बी रिविजिटेड, अभी फिर से एक बार यूनिवर्सिटी को विजिट होना है, इंस्पेक्शन होना है, वो स्टिल अवेटेड है। तो ये तो कुछ चीजें दोस्तों जो मैंने आपको बताई, और बता दूं आपको कि यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट क्या है, सिर्फ व्यू वेबसाइट पर जाइए यूजीसी की। तो दोस्तों जब भी कभी आप यूजीसी पर जाते हैं वहां पर जो व्यू वेबसाइट है उसी पर जाइए, और किसी भी ऐसी वेबसाइट पर भरोसा ना करें। यहां लिखा हुआ है अर्नी डॉट इन, और जब जैसे आप खोलते हैं गूगल पे जाकर सबसे पहला नाम दोस्तों यही आता है अर्नी.in, www.arnie.in। यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है वो सभी आप यहां पर एकेडमिक्स में आकर देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा रही है। यूनिवर्सिटी के पास है अर्नी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक डिप्लोमा एमटेक, साथ में अर्नी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, अर्नी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, अर्नी स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, अर्नी स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस, अर्नी स्कूल ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, क्योंकि PCI का अप्रूवल चाहिए उसके लिए, अभी अप्रूवल की बात करेंगे। अर्नी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, अर्नी स्कूल ऑफ लॉ, LLB करने के लिए 3 years करो या 5 years करो या फिर LLM करो, जरूरी है BCI का अप्रूवल। BCI के नए गाइडलाइंस आई हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अर्नी स्कूल होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, अर्नी स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये सब कोर्सेज यूनिवर्सिटी दोस्तों करवा रही है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की। हालांकि अप्रूवल्स के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक टैब आपको इजीली देखने पर मिलेगा नहीं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहां पर आप कुछ लिंक देख सकते हैं। यूजीसी का अप्रूवल, ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी चल रही, पहले यूजीसी का अप्रूवल लिया होगा। AICTE का अप्रूवल, PCI का। AICTE मतलब दोस्तों डिप्लोमा बीटेक एमटेक कराने के लिए। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं
नहीं है, आप अगर डाल भी दोगे आरटीआई तो जवाब यही आएगा। कॉलेजेस को जरूरत होती है इसकी, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी करवाना है तो ये अप्रूवल जरूरी है। साथ में लिखा ना पीईआरसी, तो हिमाचल प्रदेश के जो एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं शिमला की। तो ये सब दोस्तों कुछ अप्रूवल्स थे। पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैं बार बार आपको बोलता हूँ, बहुत अच्छे से पड़ताल कर लें यूनिवर्सिटी की, ऐसे ही आप एडमिशन ना लें। अगर आप एडमिशन लेंगे प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। यूनिवर्सिटी के बारे में पहले बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करें। साथ में दोस्तों आप जरूर बताएं कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं। जब भी दोस्तों हम इस यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे तो जो भी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या चेयरमैन है उनके इंटरव्यू करेंगे, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी पर या नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।